आज हम IS 7098 पार्ट वन के लिए वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये 3.5 कोर 185 का सैंपल है मेरे पास, तो इसकी जो थिकनेस है वो 1.7 mm के करीब है। तो वाटर ऑब्जॉर्प्शन टेस्ट के लिए जो थिकनेस रिक्वायर्ड है एज पर IS, तो वो 0.6 से 0.9 के बीच होनी चाहिए। तो इसके लिए हम सैंपल को पतला करने के लिए, यानी कि इसकी थिकनेस को कम करने के लिए, हम स्केविंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास एक स्केविंग मशीन है। तो हम सबसे पहले सैंपल को हम पतला करेंगे। तो इसकी ये प्रक्रिया है, जो इस तरीके से इसको करते हैं। तो ये मैनुअल मशीन है, ये कॉस्ट वाइज भी काफ़ी सस्ती है, और इससे ऐसे करके हमारा सैंपल निकल गया। ये हमारा सैंपल जो बनके तैयार हो चुका है। तो ये क्या है, सैंपल दो तरीके का निकल गया है। ये नीचे जो है स्लाइस बन के आ गई है, और ये जो इसका वो एक्स्ट्रा पार्ट है इन्होंने अलग कर दिया, इसको तो हम छोड़ देंगे। अब इस सैंपल से हम डाई है हमारे पास, डाई के हिसाब से हम सैंपल काट लेंगे।